हेलो माय डियर फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक like भी कर दीजिए अगर कोई दिक्कत है कंटेंट में या कहीं पे मुझे इंप्रूव करना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट यू कैन गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस वीडियो तो स्टार्ट करते हैं आपको पता है जो इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जो उस एस एस सी वो अपनी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं एस एस सी सी जी एल या बैंकिंग सर्विसेज के लिए दैट कैन बी पेनेशिया फॉर देम बिकॉज आई विल डिस्क्राइब ईच एंड एवरी वोकैबलर वर्ड्स इन हिंदी और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करने के लिए और यही एक प्रोसेस है जो फुल प्रूफ मेथड है बाई विच मीन्स आई हैव लर्न एंड डेफिनेटली यू विल आल्सो लर्न थ्रू होता है के द्वारा थ्रू चोपी सीज चोपी क्या होता है मतलब खुरदरा सा या यहाँ पे क्या है चोपी का मतलब होता है खुरदरा सा बट यहाँ पे क्या है जो शांत नहीं हो एक तो कूल एंड काम होता है कि उसका अपोजिट लगा लो चोपी चोपी सीज समुंदर थ्रू के द्वारा सीज समुंदर लीज ट्रस्ट लीज ट्रस्ट ये लेडीज का नाम है ये जो कि यूके की, की प्रेसिडेंट थी लीज ट्रस्ट ऑफोस्ट्रोफेस लगा तो का सक्सेसर सक्सेसर जो उसके बाद में आएगा विल हैव टू तो विल कम द फ्यूचर का हैव टू मस्ट का है कि कंपल्सरी है उसको हैव टू री इन्वरेटिड री इन्विगोरेट रिन विगोरेट का मतलब होता है कि किसी को पुनर्जीवन देना उत्थान करना फ्लैगिंग प्रोडक्टिविटी लेवल्स फ्लैगिंग होता है बढ़ने वाली लेवल्स को उसको बढ़ाना होगा री इन्व्योगेट करना होगा द इग्नोमिनियस इग्नोमिनियस होता है शर्मनाक इग्नोमिनियस होता है शर्मनाक बोलते ना ये बहुत शर्मनाक काम किया है, तो इग्नोमिनियस रेजिग्नेशन ऑफ यू के प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रस्ट दिस वीक इस सप्ताह मे हैव सप्लाइड यहाँ सीखने की बात यह है कि मे कहाँ पे यूज होता है मे और माइट आपने सुना होगा तो मे का माइट पास टेंस होता है बट मे हैव सप्लाइड तो इन्होंने ऐसा सप्लाइड किया होगा ए मोनिट्री पोज मोनिट्री पोज मतलब पैसे से रिलेटेड उन्होंने अल्प विराम लगा दिया पोज लगा दिया टू दी एंजाइटीज एंजाइटीज जो बंदो की चिंता है फेस्ड बाई द्रिटिश पीपल जो एनजाइटी फेस कर रहे थे ब्रिटिश के आदमी ओवर मंथस महीनों से गवर्नमेंट फंबलिंग फंबलिंग क्या होता है जैसे आप कन्वर्सेशन के टाइम फंबल करते हैं बीच में डगमगाते हैं अमिड्स Amids, अमिड्स होता है इन बिटवीन डिटेर डिटीरुटिंग होता है बदतर बद से बदतर अवस्था हो जाना डिटेर मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है माइक्रो होता है छोटे लेवल पर माइक्रो होता है डब्लू पी आई या जो होलिस्टिकली मान लो जी वगैरह कंट्री की ड्विंन सिचुएशन में थी डगमगा रही थी या डिटेर हो रही थी कंडीशन बट इट इज़ हार्डली यह मतलब हार्डली है मुश्किल से ए पेनासिया पेनासिया क्या होता है मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ पेनासिया रामबान बट इट इज़ हार्डली ए पेनासिया टू वट एल्स द इकोनॉमी एल्स क्या होता है जो इसको बीमार कर रहा है इकनॉमी को या उसको गड़बड़ा रहा है इसका स्थिति खराब कर रहा है आफ्टर ए डिजास्टरस परफॉर्मेंस इन ऑफिस डिजास्टरस होता है बिल्कुल uh, ड्रेडफुल भयानक आफ्टर ए डिजास्टरस परफॉर्मेंस इन ऑफिस दैट बिलाईड बिलाइड होता है झुठला देना जैसे बोलते ना कि बाई गेटिंग सच टाइप ऑफ मार्क्स यू हैव बिलाईड मी मान लो किसी ने आप पे टोंट किया हो कि यू कैन नॉट स्कोर इन योर एग्जामिनेशन सो मच बट द पर्सन गोट ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्क्स एंड देन आफ्टर दैट यू कैन से यू हैव बिलाईड मी बाई गेटिंग सो मच गुड मार्क्स तो ये बोल रहे हैं कि ऑफिस दैट बिलाइट जुटला देना द प्रॉमिस ऑफ पुटिंग द कन्वर्स कंजर्वेटिव पार्टी हाउस इन ऑर्डर तो कंजर्वेटिव पार्टी आपको पता है डेमोक्रेटिक पार्टी है वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी है दो पार्टी हैं तो ये बोल रहे हैं कि उसने झुलाठिया जुटला दिया जो प्रोमिस किया था कंजर्वेटिव पार्टी के हाउस ने इन ऑर्डर मिस्टर क्विट फोर्टी फाइव डेज आफ्टर इंटरिंग डाउन डाउन स्ट्रीट किसके डाउनिंग स्ट्रीट का किसका मतलब यहाँ जो इस स्ट्रीट में क्या है वहाँ की पार्लियामेंट है इसलिए उसका डाउनिंग स्ट्रीट नाम दिया गया है एक गली का तो ये बोल रहे हैं कि पैंतालीस दिन के अंदर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया इंटरिंग डाउनिंग स्ट्रीट वो जब पार्लियामेंट में घुसी थी द शोटेस्ट एवर टाइम जो सबसे छोटा टाइम है एवर टाइम अब तक का एवर टाइम मतलब अब तक का दैट ए ब्रिटिश पी एम हैज साउट तो हैज वही हैज वो आपकी थर्ड फॉम प्रेजेंट टेंस तो आज तक का जो सबसे कम टाइम सर्व किया है इन्होंने लीज ट्रस्ट ने किया है द पिनाकल पिनाकल कहता है हाईएस्ट पॉइंट कलमिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग द पिनाकल ऑफ ट्रस्ट गोर्मेंट्स फियासको वाज द मिनी बजट फियासको क्या होता है कि मतलब एक मतलब झूठी चीज या मतलब कह लो फेल हो जाना फियासको मतलब सबसे फेल हुआ जिसके कारण द जो पिनाकल है इसका पीक पे जो है ट्रस्ट गवर्नमेंट फियासको जो फेलियर है बिगेस्ट फेलियर वाज द मिनी बजट छोटा बजट जो उन्होंने लेके आए थे ऑफ सितंबर ट्वेंटी थ्री सितंबर तेईस को लेकर आए इन विच सी एंड हर अर्स वाइल्ड चैनल चांसलर जिसमें क्या है वो और उसके जो पहले उससे अर्श वाइल मतलब उससे पहले वाले चांसलर थे क्वाइस क्वार इनका नाम है क्वाइस क्वारथेंग डिस्प्लेसड क्या उन्होंने डिस्प्लेस किया ए ब्रेथ टेकिंग लैक ऑफ सेंसिटिविटी मतलब सांस लेने वाली सांस खींचने वाली लैक जिसमें सेंसीटिविटी लैक कर रहा था टू मार्केट फ्रेजिलिटी फ्रेजिलिटी होता है जो अक्षण बंगूर था मतलब टू ब्रोकन तो फ्रेजाइलिटी जो थी मार्केट फ्रेजिलिटी एंड अनाउ से फोटी बिलियन ये किसका साइन है यूरो का साइन है पाउंड का साइन है क्योंकि आपको पता है यूके में पाउंड स्टेरिलिंग चलता है तो ये बोल रहे हैं फोर्टी बिलियन पाउंड स्टेरिलिंग ऑफ अनफंडेड टैक्स कट उन्होंने बोल दिया कि ये टैक्स कट अनफंडेड टैक्स कट हो जाएगा जिससे क्या हुआ टैक्स कट मान लो उन्होंने उनके वहाँ पर जो कॉरपोरेट टैक्स था वो उन्होंने कम कर दिया जिससे क्या हुआ? उनका जो स्टेट का रिम रिमरेसन है रिवेन्यू वो कम हो गया उससे आदमियों में एकदम रोस भर गया तो इसलिए उनको रिजाइन देना पड़ा अभी नो वन ओट टू हैव बीन ओट टू क्या है मस्ट का रिप्लेसमेंट है मतलब कंपल्सरी है चीज़ नो वन मस्ट हैव बीन सरप्राइज मतलब ये है कि कोई भी हैव बीन सरप्राइज कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ होगा जैसे बोलते हैं ना सरप्राइज कोई भी सरप्राइज नहीं होगा एट दिस क्राइसिस इस क्राइसिस पे दैट दैट द इवेंट ट्रीगर्ड तो जो कि इस इवेंट ने ट्रिगर किया है दैट दैट टू ट्वाइस है देखो ये यहाँ पे है कि जो क्राइसिस के लिए आया दैट क्राइसिस ये दैट क्राइसिस दैट इवेंट ट्रिगर्ड तो उसने इवेंट में ट्रिगर किया उकसा है सोरिंग बोल्ड इन्ट्स सोरिंग क्या होता है बढ़ते हुए बॉन्ड जैसे आपके जो मार्केट में बॉन्ड आते हैं इकोनॉमिक्स की टर्म है ये बॉन्ड हीस जो मतलब इंटरेस्ट रेट है हिल्स बढ़ गई नेसेस ये है नेसेसिएटिंग इमरजेंसी जो उसको नेसेसरी क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है ज़रूरी चीज़ होती है तो जो इमरजेंसी के लिए नेसेसरी थी इंटरवेंशन इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप इन द बॉन्ड मार्केट ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड जो बॉन्ड मार्केट है इसकी इकोनॉमी है उसमें भी हस्तक्षेप किया अनडाउटेबली बिना कोई डाउट के स्कपरिंग स्कपरिंग द सेंट्रल बैंक टू गेट ए हैंडल ऑन राइजिंग इन्फ्लेशन स्कपरिंग होता है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए द सेंट्रल बैंक अटैम्प्ट जो फेल हो गया बट उन्होंने ट्राई किया था द सेंट्रल बैंक अटैम्प टू गेट ए हैंडल ऑन राइजिंग इन्फ्लेशन तो उन्होंने इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने का एक ट्राई किया फायरिंग मिस्टर क्वार्टेंग तो उन्होंने मतलब तो उसको हटा दिया फायर कर दिया मिस्टर क्वार्टेंग मिस मिस्ट्रस डिड डिस्पाइट बैकिंग हिम इन फॉर्मुलेटिंग देयर टोन डिप पॉलिसी प्रपोजल तो मिस्ट्रस जो थी उन्होंने डिड किया जैसे किया डिस्पाइट किसके बावजूद बैकिंग हिम उसको बैकिंग किया इन फॉर्मुलेटिंग देयर टन डीफ पॉलिसी प्रपोजल जो उसके बहुत सारे बिल्कुल गूंगे जो मतलब बेकार पॉलिसी थी उनके प्रपोजल के लिए हार्डली हेल्प कुछ हेल्प किया एज द क्राइसिस स्पायरल्ड स्पायरल मतलब वही बहुत बढ़ता गया कोजिंग द पाउंड टू लूज पाउंड की जो वैल्यू है आपको पता है डॉलर की कंपैरिजन में बहुत नीचे आ गई अगेंस्ट द डॉलर एंड मोर्टगेज रेट्स टू क्लाइम मतलब गिरवी रखने के लिए किसी को लोन लेने के लिए मोर्टगेज रेट हैं वो बढ़ गए एंड ब्रिंगिंग इकोनॉमिक हार्ड टू तो ब्रिटेन में इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई द यूके रिसेंटली लॉज इट्स प्लेस यूके ने अपना प्लेस लॉस कर दिया एज द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी टू इंडिया वर्ल्ड की पांचवीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया ये इकोनॉमी टू इंडिया इंडिया के लिए एट ए डेंजरस मोमेंट इन द ग्लोबल पॉलिटिकल इकनॉमी डेंजरस मोमेंट है ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी में व्हेन रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन रशिया का इन्वेजन था यूक्रेन पे हैज स्टीम स्टैंड क्या होता है रोकना किसी को बाधा लगाना द फ्लो ऑफ नेचुरल गैस टू यूरोप आपको पता है कि इस अटैक से नेचुरल गैस नहीं जा रही है रशिया की वहाँ पे एंड यूके के यू को नहीं जा रही लीडिंग टू अलार्मिंग स्पाइक्स अलार्मिंग होता है कि मतलब एक अलार्म दे रहे हैं बंदों के दिमाग में स्पाइक्स ऊंचे हो गए इन द हाउस होल्ड बिल्स इन दिस कंट्री इन कंट्रीज में द कंजर्वेटिव पार्टी नीड्स टू इंश्योर कंजर्वेटिव पार्टी को जरूरत है इंश्योर करने की दैट ए कंपटेंट पी जो मतलब एक योग्य जो पी है प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर क्विकली बी इंस्टॉल एंड गेट टू वर्क तो वो काम पर आने चाहिए जल्दी से इंस्टॉल करो उनको द पब्लिक मूड ऑन दिस पॉइंट हैज़ डार्कन मतलब इस मुद्दे पे उसका ड्विंटल में है अंधेरे में है रिसेंट पोलिंग सजेस्ट जो वोट डले हैं दैट लेबर पार्टी इज़ पोएज टू स्वीप टू पावर तो वो पोज पोएज क्या होता मतलब है मतलब तैयार है टू स्वीप टू पावर एकदम से मेजोरिटी में आने के लिए शुड देयर बी ए जनरल इलेक्शन जनरल इलेक्शन होनी चाहिए इवन इफ अगर ऐसा होता है सच एज इवेंट इज़ नॉट लाइकली अंटिल 2025 अगर ऐसा कोई इवेंट नहीं होता 2025 तक द रिवोलविंग डोर रिवोलविंग मतलब घूमने वाला डोर एट टेन डाउनिंग स्ट्रीट जहाँ पे पार्लियामेंट इनकी माइट सी फॉर्मर चांसलर ऋषि सुनाक ऋषि सुनाक आपको पता है कि ये इंडियन ओरिजन के हैं जो फॉर्मर चांसलर थे एनोवेटेड एनोवेटेड क्या होता है जैसे किसी का पवित्रीकरण करना होता है तो मान लो किसी का उसका ही मतलब ये एनोवेटेड है कि उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं बंदे उसका राज तिलक टाइप में हुआ एज द थर्ड पी एम विद इन दी वन ईयर एक साल में तीसरे वो पी एम होंगे एंड ओमिनियसली ओमिनियसली होता है कि ओमिनियस का होता है बुरा सूचक होता है किसी चीज़ का बोलते ना यगुन है ओमिनियसली बोरिस जॉनसन इज सेट टू बी इन द रेनिंग रैकनिंग समझना अगेन डिस्पाइट द डिबाकल फॉलोइंग द पार्टी गेट स्कैंडल पार्टी गेट स्कैंडल आपको पता है कि कोविड uh, नाइन्टीन के टाइम में जैसे उन्होंने पार्टी की थी इसलिए जोरिस बोरिस जॉनसन को भी वहाँ से रिमूव कर दिया गया था द इमीडिएट टास्क एट हैंड मतलब अब क्या हाथ में टास्क है फॉर हुएर जो भी आए इज द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट विल बी सेट राइट डैमेज टाई विद यूरोप तो ये बोल रहे हैं कि जो भी कोई हुए हुए मतलब कोई भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट बने विल बी सेट टू राइट विल बी होगा टू सेट राइट डैमेज टाइज जो डैमेज टाइज है संबंध है दूसरे के साथ विद यूरोप सो दैट ट्रेड लिंक्स आर रिस्टोर ट्रेड लिंक को रिस्टोर करेंगे एंड सप्लाई साइड बोटलैंक्स जो सप्लाई की साइड बोटलैंक है या ऑब्स्ट्रक्शन हैं बाधाएं हैं कैन भी रिजोल्व उनको रिजोल्व किया जा सकता है एंड टू रिवर्क इमिग्रेशन पॉलिसी इमिग्रेशन जो उत्प्रवासी आदमी आते हैं बाहर के आदमी उनके लिए पॉलिसी चेंज होंगी सो एज टू इसलिए टू री इन्वोग्रेट द फ्लैगिंग प्रोडक्टिविटी लेवल्स तो उनको प्रोडक्टिवल्स को ऊपर लेके जाएंगे ऑफ द यू के इकनॉमी इफ द टोरज टर्न ये यूके के लिए यूज होता है टूरिस्ट जो पार्टी के मेंबर होते हैं इफ़ द टूरिस्ट टर्न आउट नॉट टू बी द पार्टी कैपेबल ऑफ निम्बल निम्बल क्या होता है बिल्कुल धुंधला सा कैपेबल ऑफ निम्बल इंट्यूसिव इंट्यूसिव क्या होता है इंट्यूटिव भी बोलते हैं इसको इंटीटिव होता है अंतर्गन से जो अंतरात्मा से पॉलिसी मेकिंग रिक्वायर टू डिग द यू के इकोनॉमी आउट तो उस पर रिम्यूनरेशन की जरूरत है विचार विमर्श की जरूरत है इंट्यूसिव पॉलिसी मेकिंग रिक्वायर टू डिग आउट यू के इकोनॉमी आउट ऑफ दिस मोरास मोरास जो मतलब इस पर दुविधा आई हुई है उससे बाहर निकलने परहैप्स शायद ब्रिटिश वोटर विल डिसाइड टू ब्रिंग इन देयर पॉलिसी अपोजिशन टू गेट द जॉब डन शायद परहप्स का मतलब होता है शायद सपोजिडली ब्रिटिश वोटर हैं जो ब्रिटिश के वोटर्स हैं विल डिसाइड वो डिसाइड करेंगे टू ब्रिंग इन लाने के लिए देयर पोलिटिकल अपोजिशन उनका पोलिटिकल अपोजिशन टू गेट द जॉब डन काम करवाने के लिए आई होप आपको समझ में आओगा लेट्स जम्प टू दोकेबुलरी वर्स एंड यू विल लर्न by the using vocabulary words to speak in english the first vocabulary word is reinvigorate reinvigorate ka matlab hota hai reinvigorate hota hai kisi mein punar janm dena give new energy or strength to किसी को strength देना तो हम कैसे use कर सकते हैं We are fully committed to। हम पूरे committed हैं मतलब बाध्य है हम पे टू री इन्वग्रेट द इकोनॉमी ऑफ दैट एरिया इकोनॉमी उस एरिया की बढ़ाने के लिए री इन्वरेट किसी की लाइफ भी री इन्वरेट कर सकते हैं या रिजूवनेट कर सकते हैं इसका सिनोनिम्स रिजूबनेट भी होता है तो इग्नोमिनस इग्नोमिनस होता है कि एक शर्मनाक शर्मिंदा करने वाला द टीम सफर्ड एंड इग्नोमिनस डिफीट मतलब एक शर्मनाक हार हुई टीम की डिट्यट होता है बिगाड़ देना बदतर कर देना द पोलिटिकल टेंशन इज डिटेरिएटिंग इंटू सिविल वार द पोलिटिकल टेंशन है बिगड़ रही है सिविल वार में एल एल मतलब कोई बीमारी या फिर ट्रबल एफ्लिक्ट इन माइंड और बॉडी किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ना बॉडी और माइंड पे एक्सरसाइज इज गुड फॉर वट एवर जो भी एल वंस कोई भी बीमारी हो एक्सरसाइज उसके लिए अच्छी है बिलाई होता है झूठला देना हिज स्माइलिंग फेस बिलाइड हिज ट्रू फीलिंग्स मान लो वो अपनी फीलिंग्स को छिपा रहा है जुटला रहा है उसकी स्माइलिंग फेस जो डाउन हो hmm. डाउन तो वैसे नीचे बताते हो बट बत इसका कितने अच्छे सेंस में यूज हुआ है सी डाउन हर ड्रिंक इन वन मतलब एक बार में ही वो ड्रिंक खत्म कर गई सी डाउन हर ड्रिंक इन वन आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में आप मान लो ए ग्लास ऑफ वाटर यू आर हैविंग देन यू कैन से आई डों आई डोंट लाइक ग्लास ऑफ वाटर इन वन मतलब एक एक बार में ही मैंने नीचे कर दिया सी डाउन हर ड्रिंक या आप बोल सकते हैं आई डाउन ग्लास ऑफ वाटर इन वन एक बार में ही ख़त्म कर दिया फयासको फ्यासको फि, का मतलब होता है विफलता प्राय ऐसी जो शर्मिंदगी लाए बंटाधार कर दे और लास्ट पार्टी वाज ए कम्प्लीट फियासको जो हमने पिछली पार्टी की थी वो कम्प्लीट फियासको थी विफलता थी वो बंटाधार थी फियासको स्कपर होता है सिंक डेलीबलेटली मतलब जान कर डुबोना या प्रॉब्लम क्रिएट करना द सिप वॉज खपर्ड एंड सीरियसली डैमेज जान कर सिंक कर दिया या डैमेज कर दिया जैसे प्रिवेंट फ्रॉम वर्किंग और सक्सीडिंग थाट या किसी को भगा देना मतलब वहाँ से प्लान्स फॉर बाईपास स्कपर्ड बाई ए पब्लिक इंक्वायरी पब्लिक इंक्वायरी की तो वो प्लान क्या था काम था रुक गया बीच में स्कपर्ड बीच में वो रुक गया जान कर रोका गया प्रिवेंट फ्रॉम वर्किंग स्कपर्ड स्टैम होता है किसी में बाधा पहुँचाना रोक देना निम्बल होता है फुर्तीला बिल्कुल चुस्त एक्टिव इंट्यूसिव होता है जो अंदर से ज्ञान लेके बिल्कुल अंतर्ज्ञान मूलक इंट्यूसिव होता है आई होप आपको समझ में आगा शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए बाय